विदिशा के पठारी में चल रहे 15 दिवसीय विधायक ट्रॉफी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन सोमवार को फाइनल मैच के साथ किया गया। मुख्य अतिथि कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे, हरिनेश यादव, राकेश सिंघई, अरुण सहले, नईम कुरेशी, पृथ्वी सिंह चौहान, देवेंद्र परिहार आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों के कार्यक्रम में पहुंचने पर समिति के सदस्यों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथियों ने मैदान में उपस्थित दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। टॉस होने के बाद सबसे पहले कारतूस 11 राहतगढ़ ने पहले खेलते हुए 94 रन का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए डिस्ट्रिक्ट 11 गंज बासुदा ने सिर्फ 34 रन बना सके। विधायक और सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर एवं आतिशबाजी करके फाइनल मैच का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक हरि सिंह सप्रे ने कहा कि खेल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाता है, इसलिए सभी लोगों को खेलना चाहिए। खेलने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। टूर्नामेंट का शुभारंभ 13 मार्च को किया गया। इस टूर्नामेंट में 64 टीमों ने भाग लिया था। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज बड़ा हर्ष का विषय है, इस प्रकार से हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राकेश जी ने हमारी प्रशंसा में 4 चांद लगाए। वास्तव में प्रशंसा के पात्र तो आप लोग हो जो मंच पे विराजमान है। ये कमेंटेटर एक बजे देवेंद्र चौहान जी, छारिया जी, पंथी जी और डॉक्टर साहब, गुफरान भाई, लई भाई के सबको पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने कमेंट जो बोली है वो अपनी अपनी भाषा बहुत अच्छी बोली। बहुत बहुत धन्यवाद गुराई जी। आयोजनकर्ता और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अरुण सहले जी भी, हमारे मंडल अध्यक्ष हरनेश जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नईम भाई, अब सबके नाम लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी क्योंकि वैसे ही देर हो गई हो गई। और ये इतने बहुता और ये हमारे ये रात का से जो आए का कभी 2-2.5 बजे रात तो विधायक नहीं थे कहीं भी, देखो आपने लक्ष्मी की हम तो तुम्हारा दे भी आए थे मगर तुम्हारा लव नहीं है। समस्त पत्रकार बंधु आपने कवरेज भी बहुत डेली किया और हमारे दरोगा को ज्यादा सहयोग है, बिना केस में आए हीरो है जे हीरो है। अरे भाई तुम क्या फोटो ला दे तुम देश में सुनाते तो तुम तो चल जाओ दरोगा जी। हाँ मैं खेलो तो मैं भी तो जाता हूँ किट में। तो आप लोगों ने दरोगा जी ने व्यवस्था करी पूरे स्टाफ ने, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं बहुत अभिभूत हूँ आप लोगों से क्योंकि ओपनिंग के दिन हम नहीं आ पाए थे, इंदौर में कोई काम हो तो वहाँ बेटा आओ समझ लो अंकित सप्रे, अब छक्का मारो चौका। मूलतः मैं वास्तव में पहलवान हूँ बचपन से, मैं क्रिकेट पठारी में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट खेला गया जिसमें आपने फाइनल मुकाबला जीता है, तो आप जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था जो आपने जीता है। देखिए पठारी की पूरी कमेटी और विधायक जी द्वारा बहुत ही शानदार टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, उसमें करीब 64 टीमों ने भाग लिया जिसका कल सेमी और फाइनल मुकाबला था। सेमीफाइनल मुकाबले में पठारी को हम लोगों ने बहुत क्लोज मैच में हराया और विदिशा को वन साइड मैच हराया है, और ऐसे नाइट टूर्नामेंट होते रहना चाहिए और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ और आगे भी हम लोग ऐसे टूर्नामेंट में भाग लेते रहेंगे। जैसे कि सेमीफाइनल में खेल बहुत रोमांचक हो गया था, उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था? उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि एक पल के हम लोग हार चुके और फिर जावेद स्लाइडर और हमारे राहतगढ़ के सोहेल ने जब एक छक्का मारकर मैच को बनाया और फिर हम लोग जब जीते तो उसका शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जैसे इतना रोमांचक मैच आपने जीता, उसके बाद आप खिलाड़ियों को क्या कहेंगे उनके लिए? मैं कहूँगा कि ऐसे ही टीम स्पिरिट में अगर टीम मिलकर खेले तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं हम लोग। खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देंगे? आज तक मैंने इतना उत्साह दर्शकों में कभी नहीं देखा और आपका प्यार और मोहब्बत के लिए मैं दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा सब दर्शकों के लिए और खेल प्रेमियों के लिए। हेलो फ्रेंड्स,
आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।